क्वेश्चन ये है हमारे पास, इन द गिवन सर्किट डायग्राम द करंट थ्रू द बैटरी, यानी कि सबसे पहली चीज जो है हमारे पास करंट निकालना है हमको, एंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर विल बी, एंड दूसरा हमको जो है वो चार्ज निकालना है। ठीक है, जब भी आपको सर्किट में एक कैपेसिटर दे देता है ना, और उसके साथ अगर कोई रजिस्टर लगा हो तो उसमें ना करंट फ्लो नहीं होता, यानी कि अब हमारे पास जो तीन वैलिड रजिस्टर है वो कौन से हैं, 1, 2 और 3, और ये तीनों किस में है, ये तीनों हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, हम अपोजिट लेकर प्लस करते हैं। जैसे कि मेरे पास तीन रजिस्टर्स हैं तो उसका जो इक्विवेलेंट वो ऐसे निकलेगा। जो ये R1 है वो 1 है, R2 2 है, और R3 की वैल्यू 3 है। और हम इसको पहले सबसे पहले हम इसका R इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें I चाहिए, और I के लिए जो फॉर्मूला है V इक्वल I इंटू R होता है। R इक्विवेलेंट निकलेगा, I आपको निकालना है, V की वैल्यू आपको गिवन है। ठीक, फिर आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करोगे इसकी। यहाँ पे हम एल्शियम लेंगे, इन तीनों का एल्शियम आएगा 6। लेकिन ये जो है हमारा ये वैल्यू नहीं है, क्योंकि हम इसको अपोजिट करेंगे। ये जो है वो हमारा आर इक्विवेलेंट है, पर लेकिन हमें ये नहीं निकालना, हमें क्या निकालना है, आई। तो हम वैल्यू पुट करेंगे वी इक्वल आई आर में। ये हम यहाँ से आई की वैल्यू निकालेंगे, 6 से 6 कट हो जाएगा, करंट जो है हमारा वो 11 आया है। ठीक है, अब हमको दूसरी चीज़ क्या निकालनी है, क्यों, क्यों की वैल्यू निकालनी है, जिसका फॉर्मूला होता है क्यों इक्वल सी इंटू वी। इसके लिए आपको सिर्फ क्या करना है, जो आपको सी की वैल्यू गिवन है उसमें मल्टीप्लाई कर दोगे डायरेक्टली वोल्टेज की। और चार्ज की जो है वो यूनिट इसमें जाएगी, और करंट की एम्पियर में आएगी। तो आपको जो आंसर होगा वो होगा ये वाला।